आज से बहुत वर्ष पहले घोर तप और अनुष्ठान करके देवी वाराही का आह्वान किया। दोस्तों, तो मैट की पर्सनल रिलीज के नजदीक आते ही सोहम शाह ने आज ट्रेलर को पर्सनल रिलीज किया है। इरोस नाउ द्वारा प्रोड्यूस्ड ये फिल्म 13 सितंबर 2024 को सिनेमा घरों में वापसी कर रही है। ओरिजिनली 2018 में रिलीज हुई तुम्बाड करंट सिनेमा का हिस्सा बन गई है। ट्रेलर ऑडियंस को फिल्म की दुनिया में लेकर जाता है, जिसमें हॉरर और फैंटेसी का मिश्रण दिखाया गया है। बढ़िया सीन्स और माहौल के साथ ट्रेलर तुम्बाड की बड़ी पर्दे पर वापसी के लिए एक्साइटमेंट को बढ़ाता है। ट्रेलर को देख फैंस कमेंट्स कर रहे हैं। ट्रेलर पर एक फैन ने लिखा कि इसका मराठी वर्जन बेस्ट था। वही किसी दूसरे यूजर ने लिखा कि ग्रेट स्टोरी, वीएफएक्स, एक्टिंग, एवरीथिंग इज बेस्ट इन दिस बजट, ये बेस्ट मूवी है। वही एक और यूजर ने लिखा कि वो भाग्यशाली है कि उसे इस मास्टरपीस को थिएटर में एंजॉय करने का मौका मिल रहा है। वही एक और फैन ने लिखा दोस्तों कि शुरू से लेकर आखिर तक तुम्बाड इज बेस्ट। इसको देखते हुए तुम्बाड की फर्स्ट डे कलेक्शंस आ गए हैं। जी हाँ, जो लोग नहीं जानते उनके लिए हम बता दें कि 2018 में अपने ओरिजिनल परफॉर्मेंस के दौरान तुमने 0.65 करोड़ रुपीस की कमाई की थी। 13 सितंबर को लिमिटेड शो के साथ इस संख्या को पार करना निश्चित रूप से एक कठिन काम है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। ये ध्यान देना चाहिए कि पिछले महीने सिनेमाघरों में फिर से रिलीज हुई लाला मजनू ने अपने दूसरे दिन 0.75 करोड़ रुपीस की शानदार कमाई की थी। इसके री रिलीज के बारे में मजबूत चर्चा और जागरूकता के साथ तुम्बाड के पास 13 सितंबर को 0.65 करोड़ रुपीस की अपने फर्स्ट डे को पार करने का मजबूत मौका है। ट्रेलर फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइन, साउंड इफेक्ट, इसकी बढ़िया कैमरा सेटिंग को दिखाता है। ये रिलीज फैंस और ऑडियंस दोनों को तुम्बाड से जुड़ने का मौका देता है, जिसे 64वें फिल्मफेयर अवार्ड में 8 नॉमिनेशन मिले, जिसमें सर्वश्रेष्ठ सिनेमाटोग्राफी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और बढ़िया साउंड इफेक्ट्स के लिए इसे नॉमिनेटेड किया गया। ये 75वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड की क्रिटिक्स वीक सेक्शन में प्रीमियर होने वाली पहली इंडियन फिल्म भी थी। राही अनिल बर्वे द्वारा डायरेक्टेड, आनंद गांधी द्वारा क्रिएटिव डायरेक्टेड, आदेश प्रसाद द्वारा को डायरेक्टेड, तुम्बाड को राइटर मितेश शाह, रशाद बर्वे और गांधी द्वारा बनाया गया था। सोहम शाह, आनंद एल रॉय, मुकेश शाह और अमित शाह द्वारा निर्मित इस फिल्म में सोहम शाह, ज्योति मालशी और अनीता दादे कीलकर ने एक्टिंग किया है। 2024 में तुम्बाड किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं होने के कारण फिल्म देखने के लिए थिएटर ही एकमात्र जगह है। तुम्बाड अपनी रिलीज के लिए तैयार है। ऐसे में सोहम शाह ने आज 4 सितंबर को फिल्म का एक नया ट्रेलर जारी किया है। 2018 में आई इस फिल्म ने जबरदस्त असर छोड़ा था और ये नया ट्रेलर दिखाता है कि क्यों ये आज भी खास है। बीते कई दिनों से तुम्बाड चर्चा में बनी हुई है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में है। तो दोस्तों, आप इसके लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड। WhatsApp hi to 8828 8500 88.